अपने उसको यदि अपना मन का स्वभाव यदि हम स्टडी करें तो वो कैसा था, एक तो ये एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लोग भगवान कृष्ण के बहुत जो जो मित्र थे सुदामा जी के बारे में बताते हैं कि उनकी बहुत ही दयनीय हालत थी, जो आसपास उनके खाने तक में भी उनको वो मांगना पड़ा, वो जो जब जे रहे तो चावल मांग करके लाई थी उनकी पत्नी। जो वीडियोस वगैरह में भी जो दिखाते हैं जैसे उनके ऊपर धारावाहिक में, उसमें बहुत दयनीय हालत थी, बट उनके मन की हालत भी देखें तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो तो आनंद की एकदम बहुत उच्च अवस्था में होंगे, पर लोगों का दृष्टिकोण अलग होगा। ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कैसा होता होगा उनका, उनको। लेकिन वर्तमान में जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो वो भक्ति का आनंद कैसे उनको क्या लगता है, किस प्रकार अनुभव करता है? देखिए, जितनी मात्रा में हमारा भजन बढ़ता जाता है उतनी मात्रा में चित्त में वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न होता है, दो चीज मार्क कीजिए चीज को है? अगर हमारा भक्ति रियल चलता है और निष्काम चलता है तो दो चीज उत्पन्न होता ही है, जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च। ज्ञान का अर्थ होता है भगवान का ज्ञान, नॉलेज बढ़ेगा है? वैराग्य का अर्थ होता है ये भौतिक चीज की आसक्ति छूटती जाती है, हायर टेस्ट मिलना चालू करेगा, लोअर टेस्ट छूटेगा। ये जीवन में चाय छूटा, कॉफी छूटा, फिल्म छूटी, ये सब दुख छूटा। व्यसन का अर्थ दुख है, संस्कृत में व्यसन शब्द दुख को बोलते हैं, इसको व्यसन है, दुख है, चाय का दुख है। अरे चाय नहीं मिला, दुख नहीं मिला, दुख नहीं मिला है, वो दुख देने वाला है, लेकिन उनको सुख समझ करके हम चस्की लगा करके पीते हैं, यही तो माया है। तो उनमें निवृत्ति, भगवान में जितना प्रवृत्ति होगी तो एक तो भगवत ज्ञान, और भगवत ज्ञान होने से संबंध में जो दिव्य जीवात्मा और दिव्य भगवान, तो वो जैसे आग को ले जाया आग के पास और चिंगारी को ले जाया जाए, तो इसी प्रकार जैसे चमकने लगती है उसी प्रकार वो आनंद वो बढ़ता जाता है। और फिर वो बड़े से बड़ा दुख भी सामने आया है, सुदामा तस से मस नहीं हुए नहीं, कोई भी दुखों से, क्यों? परमानंद में स्थित थे। बाह्य आनंद बाह्य लोगों देख रहे बहुत दुखी है, जलाराम बहुत दुखी थे, नरसिंह मेहता बहुत दुखी थे, कौन भगत सुखी थे, मीरा भाई को तो पॉइजन दिया गया, कौन सुखी है? लेकिन वो महासुख के रूप में पॉइजन को पी गई, लाइए कृष्ण प्रसाद है, ओके उनके लिए प्रसाद हो गया, मरी ही नहीं, बताइए क्या कष्ट हुआ? अगर उसमें से एक बूंद हमारी जीभ पर पड़ जाए हो गया कल्याण, हरि बोल हो गया। यही तो आखिरी प्रश्न है, ये जो आनंद है हम क्या इस आनंद की अपेक्षा भी आदर्श भक्त को रखना चाहिए? यस, क्योंकि इसीलिए तो भजन चलता है, बाकी कामना कहाँ डालेंगे आप? आपका जो काम है इच्छा है, वो इच्छा को रहने के लिए स्थान क्या है? ये कभी कोई बंधन का कारण नहीं हो सकता ना। अगर व्यक्ति अपनी इच्छा को भगवान के सुख में लगा दे तब वो सुखी होगा। तो कामना को, इच्छा को भगवान की सेवा में लगाना बस, और भगवत सेवा में लगाए बगैर अगर जीव को थोड़ा लगाया है ज्यादा नहीं तब भी से वो सुख देना चालू होता है, क्योंकि सुख स्वरूप कृष्ण का आप चिंतन करते हैं, उनका नाम ले रहे हैं, सुख स्वरूप जो आनंद के निधि है, तो आपको आनंद मिलना है, इसमें कोई नई बात या आश्चर्य की बात ही नहीं है। और जैसे हायर टेस्ट मिला लोअर टेस्ट छूटेगा, यस ऐसा नहीं है कि इसमें भी आनंद आ रहा है इसमें भी आनंद आ रहा है, ये तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ, हमको यहाँ भी मजा आता है। एक 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 भक्त हमको बोल रहा था, अरे गुड़ाकेश बाबू जब प्रवचन में बैठता हूँ ना ऐसा लगता है कि यही करना चाहिए यही, और जब मार्केट में जाता हूँ तो धंधा ही करना चाहिए धंधा ही करना चाहिए ऐसा लगता है। मैं बोला तब तुम्हारा कुछ गड़बड़ है, तब तुम्हारा दो नाव में पैर है और तुम छत के कहा, इसी में तुम्हारा दो नाव में है अभी, एक में बैठ एक में बैठ है?
तुम एक पकड़, भक्ति को पकड़ने वाले सो निश्चित छूट जाता है उनका संसार, उनका दुख छूट जाता है। ग्रह कार्य भी है, उनका कर्तव्य भी है, दायित्व है ना। हाँ जी, वो धर्म भी ढंग से तो करना ही चाहिए। मैं तो मना कहाँ किया, मैं तो मना किया। कार्य को, कोई भी कार्य को ढंग से करने के लिए उसको मत लगाना ही पड़ेगा। हाँ, तो बात तो ये है, मन लगाओ, आसक्ति मत करो, बस। आसक्ति नहीं, वो आसक्ति शब्द है, वो केवल कृष्ण को दे दो, बस। काम करो, मन लगा के करो, जो कुछ भी करो, पर प्रैक्टिस नहीं है ना, तब मन लगेगा वहां आसक्ति हो जाता है। प्रैक्टिस, इसलिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है, वो साइकिल सीखता है ना, तो गिरता रहता है, वो पेडल पर ध्यान देता है, हैंडल पर ध्यान देता है, ब्रेक दे लेगा, क्या देखेगा, सब बटा हुआ होता है। और सीख जाने के बाद बातें करेगा, तो सीखने की बात है। अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए मार प्रचार तो होगी, कुछ तो लगेगा, सीखने के बाद नहीं लगेगा। और कोई जिज्ञासा? अभी तो जाने का नहीं, अभी तो दो तीन दिन बाकी है, हो सकता है, हो सकता है। और मैं तो हो सकता, तो दूसरी कोई जगह का टिकट तो मिल जाएगा ना। ठीक है, हरे कृष्णा।